है दोस्तों, व्हाट्सएप एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट स्टेप में आपको जो आपकी फ़ोटो है उसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। देन आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पहले नीचे जाके इस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज करना है, -20 के आसपास रखना है टेम्परेचर को, -21 में रखना है। देन आपको वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है, +25 में रखना है। देन आपको इस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको रेड की सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है, +11 में रखना है। देन आपको लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है, +29 में रखना है। देन आपको ऑरेंज कलर के ऊपर क्लिक करके ऑरेंज की सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करना है, -36 में रखना है। देन आपको लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है, +40 के अबोव रखना है, +46 में रखना है। देन आपको येलो कलर के ऊपर क्लिक करके येलो की सेचुरेशन को फुल डिक्रीज करना है। देन आपको लुमिनेंस को थोड़ा डिक्रीज करना है, -20 में रखना है। देन आपको ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करना है। देन ग्रीन की सेचुरेशन को फुल डिक्रीज करना है। देन आपको लुमिनेंस को भी थोड़ा डिक्रीज करना है, -16 में रखना है। देन आपको नेवी ब्लू के ऊपर क्लिक करके नेवी ब्लू की ह्यू को थोड़ा डिक्रीज करना है, -60 के आसपास रखना है। देन आपको सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है, +90 के अबोव इंक्रीज करना है। देन आपको लुमिनेंस को थोड़ा डिक्रीज करना है, -60 के अबोव डिक्रीज करना है, -71 में रखना है। देन आपको वायलेट के ऊपर क्लिक करके वायलेट की ह्यू को थोड़ा डिक्रीज करना है। देन आपको पिंक कलर के ऊपर क्लिक करके पिंक की सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करना है। देन आपको कर देना है डन। नेक्स्ट आपको इस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको एक्सपोजर को थोड़ा डिक्रीज करना है, 0.20 में रखना है माइनस। देन आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है। देन आपको हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करना है, -33 में रखना है। देन आपको शेडो को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाके लास्ट वाला ऑप्शन ब्लैक्स को थोड़ा डिक्रीज करना है, -30 में रखना है, 31 में। देन आपको कर्व के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको इस पोर्शन की कर्व को थोड़ा नीचे ले आना है। देन आपको इस पोर्शन की कर्व को थोड़ा ऊपर ले आना है। देन आपको कॉर्नर की इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले आना है, थोड़ा और नीचे ले आना है कर्व को। देन आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट इस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज करना है, +20 के आसपास आपको रखना है टेक्सचर को, +24 में रखना है। देन आपको क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है, +35 में रखना है। देन आपको डीहेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, +6 में रखना है। नेक्स्ट आपको विग्नेटी को थोड़ा डिक्रीज करना है, -20 में रखना है विग्नेटी को, 23 में रखना है। देन आपको मिड पॉइंट को थोड़ा डिक्रीज करना है, 20 के आसपास रखना है मिड पॉइंट को। देन आपको फेडर को थोड़ा इंक्रीज करना है, 70 के अबोव इंक्रीज करना है फेडर को, 79 में रखना है। देन आपको नेक्स्ट इस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको शार्पनिंग को थोड़ा इंक्रीज करना है, 40-50 में रखना है। देन आपको नीचे जाके डिटेल को थोड़ा इंक्रीज करना है, 40 में रखना है डिटेल को। देन आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है, 26 में रखना है। देन आपको नीचे जाके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है, 9 में रखना है। देन आपको कलर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है, 50 में रखना है कलर नॉइस रिडक्शन को। देन आपको लास्ट वाला ऑप्शन स्मूथनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, 60 के अबोव रखना है। देन आपको कर देना है डन। तो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। तो आप बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा ब्यूटीफुल और यूनिक हो गया है देखने में।